नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुंतल एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंड लवर्स। आज हम बात करेंगे वॉलीबॉल कोर्ट की। वॉलीबॉल कोर्ट को ग्राउंड पर कैसे मार्क करना है उसका हम यहाँ पर मार्किंग प्लान तैयार करेंगे। मार्किंग प्लान तैयार करने के लिए सारी डायमेंशंस और उसके डायगोनल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। आज उसी के बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायगोनल निकालेंगे। जैसा कि मार्किंग में वॉलीबॉल की में लॉन्गर साइड होती है 18 मीटर्स की और जो एंड लाइंस होती हैं शॉर्ट साइड होती है वो 9 मीटर्स की होती है। तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल निकालेंगे। सबसे पहले जो लॉन्गर साइड होती है, सपोज ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर्स एंड बी सी इज इक्वल टू 9 मीटर्स, ये हमारा रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल शेप में वॉलीबॉल कोर्ट होता है, इसीलिए जो इसकी लॉन्गर साइड होगी वो 18 मीटर्स होगी और शॉर्ट साइड होगी वो 9 मीटर्स होगी। तो हम यहाँ पर इसका डायगोनल फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डायगोनल पता कर सकते हैं। डायगोनल पता करने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच यहाँ पर हमने डायगोनल को माना है, एच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। रुकिए, तो यहाँ पर जो हमारा डायगोनल निकल के आया है वो है 20.12। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राउंड की जो लॉन्गर साइड होगी, लॉन्गर साइड को लेंगे जो कि 18 मीटर है। लॉन्गर साइड लेने के बाद यहाँ पर हम एक 9 मीटर्स का किसी भी एक एंड से आर्क लाएंगे। सपोज हमारे पास दो एंड हैं, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ए एंड से आर्क लगाएंगे टुवर्ड्स 90 डिग्री ऑफ द लाइन। यहाँ से हमने एक आर्क लिया, नाइन मीटर्स का यहाँ से हमने एक आर्क लिया। सेम आर्क हम बी पॉइंट से लगाएंगे 20.12 का, जो कि हमारा डायगोनल है। और ये आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा 90 डिग्री पर पॉइंट होगा टुवर्ड्स ए बी लाइन। इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, ये हमारी सीधी लाइन आ गई। दूसरी या लाइन के लिए सेम प्रोसीजर दोबारा फॉलो करेंगे। यहाँ पर बी लाइन, बी पॉइंट से 9 मीटर्स का आर्क और ए पॉइंट से 20.12 मीटर्स का। सेम हम लाइन को मिला देंगे और इस लाइन को, फिर ये हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो चुका है, जिसकी लॉन्गर साइड 18 मीटर्स है और शॉर्ट साइड 9 मीटर्स। चालू भी बटन ना, रेक्टेंगल के बाद हम 18 मीटर्स लाइन का सेंटर लेंगे जो कि 9 मीटर्स पर होगा दोनों लॉन्गर साइड्स पर, और फिर उसको मिला देंगे। सपोज ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम मिला देंगे। सेंटर लाइन आने के बाद इसमें अटैक लाइन जो होती है वो सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है टुवर्ड्स एंड लाइन। एंड लाइन की तरफ सेंटर लाइन से 3 मीटर दूर, तो हम उस दूरी को लेंगे दोनों लाइंस पर, फिर इनको मिला देंगे। ऐसा ही हम इधर करेंगे सिमिलर की।
ये जो डिस्टेंस होगी ये 3 मीटर होगी, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ये अटैक लाइन है। इसमें जो मेन काम है वो हमारे पोल्स का है, जो पोल सिचुएटेड होते हैं जिन पर नेट बंधा हुआ होता है वो सेंट्रल लाइन पर होते हैं और साइड लाइंस के बाहर होते हैं, और जो पोल्स की दूरी होती है वो साइड लाइंस से 1 मीटर दूरी पर लगाए जाते हैं। ये हमारे पोल्स सिचुएटेड हो गए, ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट बन के हुआ तैयार। तो दोस्तों ये था हमारा वॉलीबॉल कोर्ट का मार्किंग प्लान। अगली वीडियो में हम पता करेंगे कि इसको ग्राउंड पर कैसे मार्क करना है। सो अगली वीडियो में हम ग्राउंड पर वॉलीबॉल कोर्ट मार्क करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट पुट सेक्टर मार्क किया था सेम। तो दोस्तों अलग अलग ग्राउंड्स की अलग अलग मार्किंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।